महबूबा वानी। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बोल रहे हैं कि ये कोई जॉब नहीं है, ये आज स्कीम है। दूसरा मसला है हमारा रिटायरमेंट का भी, वो आपको पता ही है, पिछले 5 महीनों से हम यहीं पे हैं। आगे भी इंशाल्लाह हमें यही करने का इरादा है। अभी बताइए क्या डिमांड्स है आप? हमारी डिमांड्स यही है, रिटायरमेंट वापस लिया जाए और ये जो पेंशन पॉलिसी है ये भी वापस लिया जाए, बस। जो बाकी बेनिफिट्स इस वक्त हमें वो बेनिफिट्स मिलना चाहिए जिनकी रिटायरमेंट होनी चाहिए, बस। अगर आपके मुतालबा पूरे नहीं हुए तो क्या इरादा है? फिलहाल हमें यही बैठने का इरादा है, ये सब का इरादा है, मेरा ही नहीं। चमुन कतरा कतरा खत्म हो गया ना, फिर वहाँ लड़ना आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, हेल्परों के लिए, बेटों के लिए, देश के लिए। 30-35 साल हो गए, अब बोलेंगे हमें बैठो घर, हम कैसे बैठेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ खानिया प्रोजेक्ट से, मैं हूँ और मैं बसपुरा से आई हूँ। कितने सालों से आप ये नौकरी कर रही हैं? 35 साल से। मेरा एक बच्चा ट्यूमर पेशेंट है, उसका छोड़ के आती हूँ ड्यूटी पर, मैं हेल्पर हूँ। 1800 रुपये नौकरी करती हूँ आज, 200 रुपये की नौकरी। ये हमें आज बोलेंगे घर में बैठो, हमारा फैसला करा, अगर ये बोर्डिंग लड़ेंगे हम नहीं लड़ने देंगे। इसी तरीके से सड़कों पर आएंगे, आंगनबाड़ी बोर्डिंग में पालस पोलियो देते हैं, हर ड्यूटी करती है आंगनबाड़ी। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं होता, किसी ने भी हमारे साथ इंसाफ। आएंगे आप सर वो भी हमें बोलेंगे, आएंगे मिनिस्टर वो भी, मगर हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए ना। बाकी मुलाजिम के साथ जो होता है हमारे साथ भी, हम क्या कोई मुलाजिम नहीं है? पहले इन्होंने कहा था है ये मजदूर है, इनको उम्र भर के लिए ये नौकरी है, आज कैसे ये बोलेंगे रिटायरमेंट? किस बिना पर बोलते हैं ये रिटायरमेंट? रिटायरमेंट उससे होती है या कोई पेंशन मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, हम घर में क्या करेंगे? सही है, मैं एक विधवा हूँ, 2000 रुपये करती हूँ नौकरी, घर में पेशेंट भी है, ट्यूमर पेशेंट बच्चा है, मैं किसके घर जाऊंगी जब ये बोलेंगे बैठो घर में? हम आज सरकार हिला देंगे, हम इसीलिए आए हैं और निकलते रहेंगे। Mata!
वर्कर एसोसिएशन जिंदाबाद 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 मिलवाड़ी वर्कर्स